जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। विद्यार्थियों, और वार्षिक परीक्षा पेपर 2023 राजनीति शास्त्र कक्षा 11वीं का आपका 100% असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपका आशी अंक का पेपर होने वाला है। 23 क्वेश्चन, 3 घंटा समय, A to Z इसका सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, उसके बाद पेपर दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं, बोलते हो सोल्यूशन है नहीं, तो A to Z सोल्यूशन बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, ये आपको देख सकते हो, ये आपको 1 का 2 का 3 का और 4 का और 5 का, इसके बाद 6 का 7 का, 8 का देख सकते हो, और 9 का, और ये 10 का देख सकते हो, 11 का, ये 12 का, और ये 13 का, 14 का, 15 का, ये 16 का, और ये 17 का देख सकते हो, 18 देख सकते हो, 19 देख सकते हो। मैं पूरा मैंने इस वीडियो में बताऊंगा आपको, सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। ये 23 देख सकते हो, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आपको पेपर दिखते हैं, इसके बाद लास्ट में सोल्यूशन दिखाऊंगा, तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, याद हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया, अपना निर्देश पढ़ लेना। निर्देश पढ़ने के बाद आपको सीधे आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की ओर चलता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है? लोकसभा, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर हो जाएगा, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? सांसद करता है, धार्मिक करता है, तो सांसद राइट आंसर हो जाएगा। आगे, लोकसभा की अधिकतर सदस्य संख्या है तो आपको बताना होगा, तो 542 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संघवाद के में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो आपको 4 का आपको राइट आंसर का नंबर हो जाएगा, 1 हरी। इसके बाद बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे तो आप कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको ये आपको एक क्वेश्चन आपको 10 दिसंबर है, लेकिन आपको 12 में भी इस बार पूछा जा रहा है, हरिद्वार का पेपर लीक हुआ है, जाकर देख लेना। इसके बाद ये देख सकते हो, अगला क्वेश्चन लिखते स्थान की पूर्ति करना है तो आपको इसको मैंने बता देता हूँ। तो भारतीय संविधान में खालिस्तान मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। रोजगार का अधिकार खालिस्तान अधिकार के अंतर्गत आता है, तो शैक्षणिक आपको शैक्षिक लिख देना, शैक्षिक तो शैक्षिक लिख देना, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, उग्र राष्ट्रवाद खालिस्तान का सार्थक है, तो अहिंसा, तो अहिंसा, तो अहिंसा आप लिख देना, यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, जो कि आपको वीडियो के अंत में लिखा लिखा है उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष है, तो आपको पता ही होगा, 18 है। इसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी, तो 1950 राइट आंसर लिख देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, देख सकते हो, तो राष्ट्रपति राज्यसभा खालिस्तान सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपको 12 सदस्य रहेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 77 लिखना है, तो ये देख सकते हो, भारत में यहाँ पर देख सकते हो, भारत में अध्यात्मक अर्थव्यवस्था है, तो ये आपको लिखना होगा, तो ये आपको असत्य हो जाएगा। लोकसभा की भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, ये सही बात है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत करता है, तो ये आपको 4 नंबर सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान में अवसरों की मान्यता नहीं है, तो वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि अवसर की मान्यता है। मौलिक अधिकार का भाग 3 में है, तो ये आपको असत्य है, जो मौलिक अधिकार भाग 3 में नहीं है। इसके बाद आपको सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी में आपको यहाँ पर मिला दूंगा बहुत अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है। पहला का आपको देख लेना है, पहला नंबर है अमेरिका, अमेरिका का हो जाएगा अध्यात्मक, जो कि आपको राइट आंसर आपको लिखना होगा, जो कि आपको यहाँ पर है। इसके बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड का राइट आंसर आपको संसदीय व्यवस्था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर पहले नंबर पर है। इसके बाद आप एकात्मक शासन, तो इसका आपको हिरोशिमा, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। इसके बाद अस्थायी कार्यपालिका, तो इसका आपको हो जाएगा नौकरशाही, जो कि नौकरशाही आपको 2 नंबर पर है। इसके बाद आप देख सकते हो नीति निर्देश के तत्व, नीति निर्देश के तत्व आयरलैंड से लिया गया है, तो आपको राइट आंसर लिख लेना है। इसके बाद आप देख सकते हो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद आपको संसदीय शासन व्यवस्था, ये आपको कहाँ से है, तो आपको ब्रिटेन से लिया है। ये सभी आपको आ गए हैं, एक एक करके हमारे भारत में आ गए, तो बहुत मजा आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, तो बहुत अच्छे से लिख लेना है। पहला नंबर है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो आपको 42वां संशोधन, तो 42वां लिखना है, और 1976 में जोड़ा गया था। सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त हुआ है? तो आपको प्राकृतिक से हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले वाले को क्या कहते हैं? तो आपको नागरिक कहते हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का नाम लिखना होगा, तो आपको जन्म वंश आपको लिख लेना है 2, और देशीकरण 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो, संविधान सभा की प्रत्येक बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके बाद निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो आपको भारत निर्वाचन आयोग करता है। अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो 1 का क्वेश्चन आपको खुद बताना है। इसके बाद नीति निर्देश के तत्व लिखना है, इसका उत्तर वीडियो अंत में मिलेगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मतदान अपना प्रतिनिधित्व कैसे चुनता है, संघवाद की जो विशेषता लिखना है। और ये देख सकते हो आपको लाख इसको देख लो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 देख सकते हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23। चलिए अपना पेपर देखने के बाद सोल्यूशन देखते हैं। फाइनली आपको यहाँ पर देखना है निर्वाचन आयोग दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, इसको देख लेना है। इसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन देख लेना है, इसके बाद 3 नंबर देख लेना है, इसके बाद आपको 4 नंबर देखना है, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए, 5 नंबर, और ये आपको 4 नंबर देख लेना है। इसके बाद आपको 7 नंबर है, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपको 8 नंबर, 8 नंबर के बाद ये आपको 9 नंबर, 9 नंबर के बाद आपको 10 नंबर देख सकते हो, 10 नंबर के बाद आपको 11 नंबर देख लेना है, आपको 11 के बाद ये 12 नंबर, 12 के बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये 14, ये 15 देख लो, और ये 16, और ये 17, इसके बाद ये 18, और ये 18, 19 को 16 लिखा गया है, गलत हो गया है, 16, 17 पे दोबारा आ गया है सर, स्क्रीन शॉट वही स्क्रीन शॉट आ गया है, तो कोई बात नहीं, 18, 19, 20, 21 और ये 21 और ये 22, तो 23 तक मैंने बता दिया विद्यार्थियों। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।